Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। प्राची को तोड़ना ही है ना, तो प्राची के लिए रणबीर के भरोसे को तोड़ना होगा। रणबीर की नजरों में गिर जाएगी, अपने आप टूट जाएगी। तुम्हें याद है पिछली बार जब हमने रणबीर की नजरों में प्राची को कैरेक्टरलेस साबित किया था, दोनों कैसे अलग हो गए थे। प्राची घर छोड़कर चली गई थी और रणबीर ने उसे रोका तक नहीं था। बस अगर प्राची और रणबीर को अलग करना है ना, तो उनके भरोसे के डोर को काटना होगा। You're right. हमने प्राची के अगेंस्ट कितने प्लान बनाए थे, पर एक यही प्लान था जो सक्सेसफुल हुआ था। क्योंकि आशिक हर लड़ाई जीत जाता है, पर प्यार की बेवफाई से हार जाता है। अगर प्यार उसे हिम्मत देता है, तो प्यार की बेवफाई उसे अंदर से ही तोड़ देती है। सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रहती। फिर क्या है, एक गलत कदम और रिश्ते में दरार आ जाती है। So what are we waiting for? Let's do it again. इस बार ना काम थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि प्राची और सिद्ध की शादी तय हो चुकी है, और फिर भी हम रणबीर को प्राची से अलग नहीं रख पाए हैं। He's desperate for प्राची। मुझे तो डर है कि शादी में वो सिद्ध को मंडप से हटाकर खुद ना बैठ जाए, इसलिए चोट इस बार ना थोड़ी सी गहरी देनी होगी। रणबीर और प्राची का भरोसा नहीं, ये रिश्ता ही तोड़ देना होगा। पर कैसे, क्या करना होगा? प्राची सिद्ध के साथ होटल स्टार शेरेटन गई है। प्राची ठीक है? तुम ये सब जानबूझ के करते हो ना? मैंने क्या किया जानबूझ के? अगर जानबूझ के नहीं करते तो प्लीज मुझे बता दो कि तुम किस मिट्टी के बने हो। किस मिट्टी का बना हूं? मतलब क्या क्या बोले जा रही हो तुम? आई ओके? तुम एक नॉर्मल इंसान जैसे बिहेव नहीं करते। वो लड़की जो तुम्हें पूछती तक नहीं, she doesn't care about you, she doesn't care about your feelings, तुम उसके पीछे पड़े हो। क्यों, why, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि वो अच्छी दिखती है। Because I know, सूरत ही वजह होगी। सीरत तो वजह बिल्कुल भी नहीं। Are you mad, रिया? कुछ भी बोल रही हो तुम? मैं कितनी बार तुम्हें बोल चुका हूँ, मैं एक आखिरी बार तुम्हें बोल रहा हूँ, मुझे प्राची से प्यार उसकी सूरत की वजह से नहीं हुआ था। अगर मुझे सूरत की वजह से प्यार होता ना, तो शायद मैं पहले जब मैंने पहली बार उसको देखा तभी मुझे उससे प्यार हो जाता। लेकिन पहले जब हम मिले थे, हम झगड़ते थे, हमारी लड़ाई होती थी। जब मैंने उसकी सूरत के आगे देखा ना, मुझे तब उससे प्यार हुआ। मुझे असल में पता चला कि प्राची कौन है, और उस प्राची को सिर्फ मैं जानता। जिस प्राची को तुम जानते हो ना रणबीर, वो प्राची का एक अलग रूप है, एक मुखौटा है, एक मास्क है जो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे सामने पहनती है। उसका असली चेहरा ना तुमने कभी देखा ही नहीं है रणबीर, और शायद तुम कभी देखोगे ही नहीं, बिकॉज यू आर जस्ट ब्लाइंड इन लव। रणबीर देखो, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है, आई रियली केयर फॉर यू, और मैं तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, पर आई हैव नो ऑप्शन। रणबीर मुझे आज तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा, प्राची तुमसे प्यार नहीं करती। करती है वो, करती है वो। प्राची मुझसे प्यार करती है। प्राची तुमसे प्यार करती है, प्राची तुमसे प्यार करती है। अरे देख लिया मैंने उसका प्यार, प्यार तुमसे, और प्यार की निशानी किसी और से। रिया प्लीज, फालतू की बातें मत करो, मेरे पास टाइम नहीं। रणबीर फालतू की बातें तुम कर रहे हो। अरे उसकी शादी सिद्ध के साथ होने वाली है, और तुम प्राची के साथ प्यार के सपने देख रहे हो। वो सिद्ध के साथ शादी नहीं करेगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।